हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लिटरेचर टॉक्स एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम लोग थिंग्स फॉल अपार्ट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस वीडियो से पहले भी हम 2 से 3 वीडियोस कर चुके हैं इस नॉवल की, और अगर आप वो वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आपको ऊपर आई बटन में थिंग्स फॉल अपार्ट की इंट्रोडक्शन, थिंग्स फॉल अपार्ट की समरी और करेक्ट स्केच ऑफ नवोय मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके उन्हें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग थिंग्स फॉल अपार्ट का टाइटल डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम में कई बार होता है टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द टाइटल ऑफ दिस नॉवल, या इस नॉवल का टाइटल कितना वैलिड है। तो आज हम ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको उसे कैसे सॉल्व करना है। तो ये आंसर थोड़ा लंबा है और मैंने इसे 11 पैराग्राफ्स में बांटा हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, ताकि ईजी रहे लर्न करने में। पहले पैराग्राफ में हम लोग लिखेंगे कि जो टाइटल है वो क्या बता रहा है। तो थिंग्स फॉल अपार्ट का जो टाइटल है वो सेंट्रल मैसेज देता है अपने नॉवल का। जो नॉवल है वो इस टाइटल पे बेस्ड है और जो टाइटल है वो ही सेंट्रल मैसेज है नॉवल का। जो टाइटल है वो फोरशैडो करता है नॉवल में जो ट्रेजेडी चल रही है उसके बारे में, और जो ये नॉवल है ये डिपिक्ट करती है एक इंडिविजुअल की, उसके साथ साथ उसकी सोसाइटी की ट्रेजेडी को। जो प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल का, जिसका नाम है ओकोंको, वो बहुत ही ज़्यादा रिच और रिस्पेक्टफुल है बिगनिंग में, लेकिन नॉवल के एंड आते आते वो एक ट्रैजिक फेट से मिल जाता है और वहाँ नॉवल ख़त्म हो जाती है। सेकेंड पैराग्राफ में हम बताएंगे कि चिनोय अचीबे ने कितने अच्छे से, एम्बिशियसली, वेल रिटन, वेल रिप्रेजेंटेड तरीके से अफ्रीकन सोसाइटी की लाइफ को जो है वो थिंग्स फॉल अपार्ट में रिप्रेजेंट किया है। और एक करेक्टर है इनका जो प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम है ओकोंको, वो उसकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दिखाया गया है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि अफ्रीकन सोसाइटी में या अफ्रीकन लाइफ कैसे होती है। तो जो ये ओकोंको वो है ये सफ़र करता है और साथ ही में इसका पूरा ट्राइब भी सफ़र करता है। बिगनिंग जो है नॉवल की वो ईबो ट्राइब के साथ होती है, ईबो सोसाइटी में होती है, जो बहुत पीसफुल ऑर्गेनिक सोसाइटी होती है, लेकिन एंड होते होते उसका भी जो एंड होता है ट्रैजिक होता है, वो भी पीसेस में बढ़ जाती है। थर्ड पैराग्राफ में हम बताएंगे कि जो ये टाइटल है थिंग्स फॉल अपार्ट, ये कहाँ से लिया गया है। ये जो टाइटल है थिंग्स फॉल अपार्ट, ये WB Yeats की पोएम द सेकेंड कमिंग की एक लाइन है, ये वहाँ से लिया गया है। फोर्थ पैराग्राफ में हम बताएंगे कि फॉल अपार्ट जो ये 3 वर्ड्स हैं ये हम कब कह सकते हैं। यह तब कह सकते हैं जब हम बिलीव कर रहे हो कि कोई चीज़ जो है वो फॉरएवर तक चलेगी, लेकिन वो एक टाइम के बाद जो है एंड हो जाती है, तब हम कहते हैं कि थिंग्स फॉल अपार्ट। जो टाइटल है थिंग्स फॉल अपार्ट, ये रेफर करता है उस फैक्ट को कि अगर लाइफ में, सोसाइटी में कहीं भी प्रॉपर बैलेंस नहीं होगा तो थिंग्स जो हैं वो फॉल अपार्ट, यानी कि पीसेज में बट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। फिफ्थ पैराग्राफ में हम थोड़ा ओकोंको के बारे में बताएंगे और हम लिखेंगे कि नॉवल की बिगनिंग में हम देखते हैं कि ओकोंको वो एक प्रॉस्परस लीडर है ईबो सोसाइटी का, ईबो पीपल का, और जो नॉवल है वो एकदम से एंड हो जाती है एक ट्रेजिक एंड के साथ। तो हम देख सकते हैं नॉवल में कि जो चीज़ें हैं, थिंग्स हैं वो फॉल अपार्ट हो रही हैं, और थिंग्स फॉल अपार्ट जो टाइटल है वो डिक्ट कर रहा है कि कैसे ओकोंको वो की लाइफ जो है वो फॉल अपार्ट हो गई है। ओकोंको वो एक इम्पॉर्टेंट मैन है सोसाइटी का, उसकी सोसाइटी का वो बहुत ही वेल नोन पर्सन है थ्रू आउट द 9 विलेजेस एंड बियॉन्ड। एक वॉरियर है, एक रेसलर है, जो बहुत सारी रिस्पेक्ट गेन कर चुका है उसकी एथलेटिक्स की वजह से, और एक फियर्स फ्री इंडिविजुअल है। उसने कोई भी बैटल अभी तक हारी नहीं है और इसी वजह से विलेज के लोग उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उसे लव करते हैं। सिक्स पार्ट में हम बताएंगे कि ओकोंको की लाइफ सबसे पहले फॉल अपार्ट होनी तब शुरू हुई थी जब उसने इक्मेफुना को मार दिया था। इक्मेफुना एक प्रिजनर था, एक रैंसम था जो उसके साथ रहता था, ओकोंको के साथ उसके घर में रहता था। ओकोंको इक्मेफुना को अपने बेटे जैसे मानता था, लेकिन एक दिन ओरेकल्स ने डिसाइड किया कि इक्मेफुना को मार देना चाहिए और ओकोंको वो जो है वो उसके मर्डर में पार्ट लेता है। उसके फ्रेंड्स ने उसे वॉर्न भी किया था कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी वो मानता नहीं है, वो दिखाना चाहता है कि वो कितना ब्रेव और मैनली है, इसलिए वो इक्मेफुना को खुद मार देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो इसका फियर था कि अगर वो इक्मेफुना को नहीं मारेगा तो लोगों को लगेगा कि ये वीक है, तो इसे ओवरकम करने के लिए वो अपनी फैमिली से, उन लोगों से जिनसे वो प्यार करता है, वो हार्श हो जाता है बहुत ज़्यादा, और ये सब चीज़ें एंड में उसकी ट्रैजिक लाइफ को कंट्रीब्यूट करती हैं।
सेवेंथ पैराग्राफ में हम वो सेकंड सिग्निफिकेंट इंसिडेंट्स बताएंगे जो ओकोंकवो की लाइफ में हुआ था, जिसकी वजह से उसकी लाइफ जो है पीसेस में बट गई थी। और वो तब हुआ था जब उसे क्लैन से बाहर निकाल दिया गया था 7 ईयर्स के लिए, और इस वजह से ओकोंकवो की जितनी होप्स और ड्रीम्स थी वो सब फॉल अपार्ट कर गई थी। उसकी होप्स जो थी और ज़्यादा रिच और पॉपुलर होने की, वो डिस्टर्ब हो गई थी और टूट गई थी। ओकोंकवो के पास अब अपने लैंड नहीं थे, फार्म नहीं थे, एनिमल्स नहीं थे, और वो उसने अपने दोस्त भी खो दिए थे, और उसके दोस्तों ने उसमें फेथ भी खो दिया था, और उसने भी अपने दोस्तों में फेथ खो दिया था। और अनदर एपिसोड यानी कि अनदर सिग्निफिकेंट इंसिडेंट तब हुआ था जब ओकोंकवो की लाइफ एक और बार तब फॉल अपार्ट हुई थी जब उसका बेटा नवोय वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया था। एट्थ पैराग्राफ में हम फोर्थ इंसिडेंट बताएंगे जिसकी वजह से ओकोंकवो की लाइफ जो थी वो शैटर हो गई थी। और वो इसलिए हुई थी कि जब वो 7 ईयर्स के बाद अपने विलेज में वापस आया था तो वो देखता है कि सब कुछ चेंज हो गया है। क्लैंसमैन यानी कि जो वाइट लोग आए थे, ब्रिटिश लोग आए थे, उन्होंने विलेज को टुक ओवर कर लिया है, और इन सब चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। और उसे ये डर था कि उसके क्लैन की इंडिपेंडेंस अब चली गई है तो उसे अब वाइट मैन के अंडर काम करना पड़ेगा, ह्यूमिलेट होना पड़ेगा, और इन सब चीज़ों के साथ मरने से अच्छा ये है कि मैं अपनी खुद जान ले लूँ। तो वो जाके सुसाइड कर लेता है और उसकी लाइफ टोटली फॉल अपार्ट कर जाती है। नाइन्थ पैराग्राफ में हम ये बताएंगे कि ओकोंकवो की तरह ही उसकी इबो सोसाइटी की लाइफ भी फॉल अपार्ट करती है। फर्स्ट पार्ट में बुक के हम देखते हैं कि वो सोशली पॉलिटिकली रिलीजियस ऑर्गेनिक इबो सोसाइटी होती है, लेकिन जो ये ऑर्गेनिक सोसाइटी होती है वो डिवाइड हो जाती है और एक टाइम के बाद अपनी सारी एनर्जी खो देती है एंड ऑफ द बुक में। तो जो और ये सब उसी ट्राइब के ब्रूचुअल रूल्स की वजह से होता है, और साथ ही में क्रिश्चियन रूलर्स के आने की वजह से भी होता है, जो वहाँ आते ही इंग्लिश गवर्नमेंट रूल करने लग जाती है। टेंथ पैराग्राफ बिगनिंग ऑफ द नॉवल हम देखते हैं कि वो सोसाइटी के पीपल जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और उनके ट्रेडिशनल बिलीफ हैं, रिलीजन हैं, और बहुत सारे सुपरस्टिशन आइडियाज़ भी हैं वहाँ पर जो वो लोग फॉलो करते हैं। जैसे कि वहाँ पे एक ईविल स्पिरिट है, ओरेकल है, और जो ओरेकल है वो रिस्पॉन्सिबल है इक्विफिना की डेथ का। और ये जो इंसिडेंट है ये दिखाता है कि कितनी बुरी तरीके से ये लोग सुपरस्टिशन को फॉलो करते थे अपने ट्रेडिशन में। और हमें यहाँ पे ब्रूटैलिटी, इनजस्टिस और इनह्यूमन एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलती हैं जब वो ईवल फॉरेस्ट में दो ट्विन्स बच्चों को फेंक देते हैं मरने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ईवल स्पिरिट्स हैं। उनका रिचुअल ऐसा भी है कि अगर कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा सीवियर डिसीज से गुजर रहा हो तो उसे ईवल फॉरेस्ट ले जाया जाता है, वहाँ पे सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, जैसे मैंने आपको ट्विन्स के बारे में बताया। और इसका जो अल्टीमेट रिज़ल्ट है वो ब्रूटैलिटी है। और जब लोगों को जब लोग अपने ट्राइब से बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है क्रिश्चियंस के आने पर अपनी गवर्नमेंट चेंज करने की, और वो ये अपना रिलीजन चेंज करने की, और वो ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने नहीं देते, इसलिए वो कन्वर्ट हो जाते हैं और इनकी सोसाइटी जो है अल्टीमेटली फॉल अपार्ट कर जाती है। 11th पैराग्राफ में हम बताएं कि वाइट्स के आने से पहले जो इबो सोसाइटी की पॉलिटिकल लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक और स्ट्रॉन्ग थी। वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल थे अपने पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ, लेकिन जब कॉलोनियल मास्टर यानी कि वाइट्स आए तो कॉलोनियल रिलीजन शुरू हो गया और ट्रेडिशनल रिलीजन को इसने रिप्लेस कर लिया। लोग बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, और ओकोंकवो का बेटा नवोय भी इससे अफेक्ट हो गया और वो भी अपना रिलीजन बदल लेता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ज्वाइन आवर इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। बाय बाय।